आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बताइए ओके। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन महिमा अंतिम के लिए। थैंक यू। बहुत अमेजिंग है। थैंक यू। आप सारे बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, आपसे जानना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस थी कि पहले तो कहा गया था कि अंतिम इज़ द अंडरडॉग ऑफ द ईयर, एंड राइट नाउ एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टेंटली वेटिंग फॉर एवरीबडी टू वॉच द फिल्म, सो दैट्स क्वाइट एक्साइटिंग, एंड वी कांट वेट फॉर एवरीवन टू गो बैक टू द थिएटर्स एंड विटनेस द मैजिक ऑफ द बिग स्क्रीन्स, बिकॉज इट्स हाई टाइम दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर इट। एंड एज फार एज अंतिम इज़ कंसर्न्ड, एज वी ऑल नो, the story takes place in this village where there is development that takes place, how farmers and the village gets affected, how there's this boy in the village who wants to take a stand for their family, and how in the whole process of it he becomes a gangster. So it's his whole journey from becoming a village boy to a gangster. You know, he doesn't understand the consequences, and according to him his approach is right. But when you look at it from a third person's point of view, he has really, called for a blunder. But Antim, I think, is a journey between good or bad, good versus bad, and you don't know. Maybe what's good for you is not the same for me, and vice versa. So that's like a gist of Antim that's there. Okay, agar aapke character ki baat kare, matlab ki baat kare. Ji. मंदा चाय वाली है और पूरे मार्केट यार्ड में वो एक अकेली लड़की है, एंड मंदा इज़ दैट काइंड ऑफ गर्ल दैट यू डोंट वांट टू टेक पंगा विथ, बिकॉज शी इज समवन हु इज़ वेरी कड़क, एंड शी विल टेक स्टैंड फॉर हर सेल्फ व्हेन रिक्वायर्ड, और सुलझी हुई है, वल्नरेबल है, बट कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर वो स्पार्क और वो फायर नज़र आता है, एज़ वी हैव सलमान सर्स एंड आयुष कैरेक्टर इन द फोर फ्रंट, बट देर इज़ दिस गर्ल जो खुद के लिए स्टैंड लेगी विदाउट थिंकिंग अबाउट इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और मेरे लिए वो कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग थी, बिकॉज उसकी भी एक आवाज़ है, वो भी उसकी भी एक, और हम उसे अलग अलग शेड्स में भी देखते हैं फिल्म में, यू सी हर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वो बोलती है कि पीने से पहले बोलना सीख, सो देर इज़ कॉन्फिडेंस, देर इज़ स्पार्क, बट देन यू नो दैट देर इज़ समथिंग अबाउट हर दैट अट्रैक्ट्स फिर आपने उसे गाने में देखा हुआ, when you see राहुल याज एंड मंदाज रोमांटिक एंगल, when you see there is this chemistry that is established, when you see राहुल या प्रपोज मंदा, सो there is variation in range to मंदाज कैरेक्टर। ओके, काफ़ी जिस तरीके से आपने बताया, काफ़ी शेड्स हैं इस कैरेक्टर के, प्यार है, रोमांस है, एक स्पार्क है, मुझे हमारे डायरेक्टर सर महेश सर ने तो यही बोला था कि कोई तैयारी करके नहीं आना, जस्ट मेक श्योर दैट यू नो द बैकग्राउंड ऑफ योर कैरेक्टर, जस्ट मेक श्योर दैट यू नो द कॉन्शियंस ऑफ योर कैरेक्टर, एंड डोंट कम ओवर प्रिपेयर्ड, बिकॉज वो हमेशा से वो खुद एक एक्टर है, हम सब जानते हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है कि जब हम एक्टर्स को एक बॉक्स में डाल देते हैं या फिर जब हम उनको बता देते हैं कि उन्हें क्या करता है, तो वो अपना मैजिक नहीं लेकर आ पाते, सो उन्होंने मुझे अपनी पहले ही फिल्म में, पहले ही प्रोजेक्ट में फ्रीडम दी एज अ परफॉर्मर टू परफॉर्म, फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, और जब चीज़ें गड़बड़ होती थी तो ही वॉज ऑलवेज देयर टू गाइड मी थ्रू आउट द जर्नी, बट ही नेवर पुट एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर और ऑब्वियसली आई वॉज वरीड, बिकॉज आई वॉज नर्वस, बिकॉज दिस फिल्म ऑलरेडी हैज़ टू वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स, और उसमें आप स्टैंड आउट करना या आप अपने कैरेक्टर से जस्टिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, बट महेश सर हेल्प मी थ्रू आउट द प्रोसेस, और मतलब कौन उनका फ़ैन नहीं हो सकता, तो बिल्कुल उनका आस पास रहना ही मेरे लिए एक इंस्टीट्यूट की तरह था, ही वॉज नथिंग लेस देन एन इंस्टीट्यूट फॉर मी, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, बट प्रेपरेशन तो यही थी कि बी स्पॉन्टेनियस, बी इन टू योर कैरेक्टर, बट कम टू द सेट एंड वील सी वॉट अनफोल्ड्स ऑन द सेट। बिल्कुल, बट ये तो वही कहने की बात है, लेकिन पर्सनली कितना प्रेशर हो जाता है जब आपके सामने सलमान खान महेश मांजरेकर, तो वो कितना प्रेशराइज हो जाता है? बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग था, बिकॉज